हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू द मंजिल भारत कैसे हैं आप सब आई होप यू ऑल आर फाइन और हम कर रहे थे एम ऑन पॉलिटी दो वीडियो लेक्चर ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं जिसमें हमने मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे कुछ एम किए थे और प्रियाम्बल से रिलेटेड कुछ एम किए थे आज हम करेंगे एम ऑन फंडामेंटल ड्यूटीज सो चलिए स्टार्ट करते हैं सो टूडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज फंडामेंटल ड्यूटीज आर इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब मैंने आपको फंडामेंटल ड्यूटीज पढ़ाई थी तो साथ ही मैंने आपको मेंशन किया था कि कौन से आर्टिकल के अंदर आते हैं वो और कौन से पार्ट के अंदर आते हैं सो आई सजेस्ट यू कि पहले आप फंडामेंटल ड्यूटीज का लेक्चर देख लें उसे पढ़ लें देन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन सो ऑप्शन नंबर ए इज पार्ट थ्री ऑप्शन नंबर टू इज पार्ट फोर ऑप्शन नंबर सी इज पार्ट फोर ए एंड ऑप्शन नंबर डी इज पार्ट फोर बी So the correct answer is option number C, Part A. So, the fundamental duties are mentioned in Part A of Constitution. Question number two, fundamental duties were added by which constitutional amendment act? जब हमारा Constitution adopt किया गया था, 26 November में, तब उसमें किसी भी तरह की कोई duties mention नहीं थी, fundamental duties का कहीं भी कोई जिक्र नहीं था. Later on, एक committee बिठाई जाती है, उसकी recommendation के base पर ड्यूटीज को एड ऑन किया जाता है बाय एन अमेंडमेंट अब वो कौन सी अमेंडमेंट है दैट यू हैव टू टेल सो ऑप्शन ए इज 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑप्शन बी इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑप्शन सी इज 43rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और ऑप्शन डी इज 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सो वीडियो पॉज करके आप अपना आंसर मार्क कर सकते हैं

क्वेश्चन नंबर वन ऑफ द द फॉलोइंग और इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन सो किस कमेटी की रेकमेंडेशन पे फंडामेंटल ड्यूटी को एड किया गया था ऑप्शन ए स्वर्ण सिंह कमेटी ऑप्शन बी इज अशोक मेहता कमेटी ऑप्शन सी इज बलराम झक्कर कमेटी और ऑप्शन डी सरकारिया कमीशन सो फंडामेंटल ड्यूटी एक बहुत छोटा टॉपिक है उसमें से आई थिंक टेन टू ट्वेल्व पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं रिटेन रखने हैं और उसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे इसे ऐड किया गया था एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंस्पायर्ड बाय विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन सो फंडामेंटल ड्यूटीज को कहां से बोरो किया गया है वर्ल्ड के किस कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है सो ऑप्शन इज यूनाइटेड स्टेट ऑप्शन बी इज यूएसएसआर एस वाइल यूएसएसआर अब तो सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट हो गया लेटर ऑन सो इट इज अर्स्ट वाइल थर्ड इज़ जापान एंड इज जर्मनी सो अपना आंसर मार्क कीजिए सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी दैट इज़ यूएसएसआर क्वेश्चन नंबर सिक्स इज हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वर सजेस्टेड बाय द सोन सिंह कमेटी सो सिंह कमेटी ने जब रिकमेंडेशन दी थी तो उन्होंने कितनी ड्यूटीज की बात की थी कितनी ड्यूटीज इनकॉर्पोरेट करने की बात की गई थी सो ऑप्शन इज ऑप्शन बी इज नाइन ऑप्शन सी इज टेन और ऑप्शन डी इज इलेवन सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए तो सोन सिंह कमेटी ने रिकमेंड की थी एट लेटर ऑन कितनी एड की थी दैट इज अ डिफरेंट नंबर बट एट जो है वो सोन सिंह कमेटी ने रेकमेंड की थी

ऑप्शन सी इज ड्यूटी टू डेवलप साइंटिफिकोवाइड ऑपरचुनिटी एजुकेशन ऑप्शन डी एटी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनेंट एक्ट के साथ इस ड्यूटी को एड किया गया था कि हर नागरिक का यह फर्ज बनता है कि वो बच्चों को छ से चौदह साल तक के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराए क्वेश्चन नंबर एट फंडामेंटल ड्यूटीज आर कन्फाइंड टू ये जो कर्तव्य बताए गए हैं ड्यूटीज बताई गई है ये किस किस के लिए है ऑप्शन ए सिटीजन के लिए सिर्फ बी फॉर के लिए सिर्फ सी बोथ सिटीजन एंड फॉरनर्स और डी नन सो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है दैट इज कंफाइंड टू सिटीजन ऑनली फॉरनर्स के लिए ये ड्यूटीज नहीं है अब हमारे देश के की रिस्पेक्ट करनी फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी दिस इज द ड्यूटी ऑफ अ सिटीजन ऑफ़ इंडिया भारत के नागरिक के लिए वो कर्तव्य बनता है ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फंडामेंटल ड्यूटीज फर्स्ट स्टेटमेंट इज इट वॉज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन नाइनटीन सेकंड कहता है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी रेकमेंड करती है इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी थर्ड कहता है ओरिजिनली इट हैड एफडीज एंड वाज एडेड इन 2002 और फोर्थ कहता है द ड्यूटी टू पे टैक्स इज आल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है तो पहली स्टेटमेंट देखें तो ये 1967 नहीं बल्कि नाइनटीन में एड की गई थी तो ये क्वेश्चन तो ये ऑप्शन तो हट जाता है तो आप ऑप्शन की तरफ देखें जहां पर वन वन है उसे आप क्रॉस कर सकते हैं तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच जाता है टू एंड थ्री इस तरह से आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी अपना करेक्ट आंसर मार्क कर सकते हैं ठीक है आपको देख लिया आपको पता है इतना आपको याद है बाकी स्टेटमेंट्स आपको समझ नहीं आ रही बट इतना आपको याद है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो एड की गई थी सिक्स में तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाता है तो जहां जहां पहला ऑप्शन है वो एलिमिनेट हो जाते हैं तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है दैट इज ऑप्शन ए तो इस तरह से आप करेक्ट आंसर माफ कर सकते हैं एंड द ड्यूटी टू पे टैक्स इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन फंडामेंटल ड्यूटी क्लियर क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज हैव बीन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज फंडामेंटल ड्यूटीज अब आपको बताना है कुछ ड्यूटीज लिखी गई हैं इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है और कौन सी नहीं है टू डिफेंड द कंट्री टू पे इनकम टैक्स

जंगलों को बचाना वाइल्ड लाइफ को बचाना ये हमारे आ, इसके बारे में हमें काम करना चाहिए तो यह कहां है ऑप्शन ए इज ऑनली इन डीपीएसपी, ऑप्शन बी ऑनली इन फंडामेंटल ड्यूटीज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबब सो द करेक्ट आंसर विल बी वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन की और सेफ गार्डिंग की बात दोनों सेक्शंस में दोनों पार्ट्स में की गई है दैट इज इन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ प्रोटेक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एन इंडियन सिटीजन इनमें से किसको बचाना फंडामेंटल ड्यूटी के अंडर आता है विलेज पंचायत नेशनल फ्लैग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब और वाइल्ड लाइफ विलेज पंचायत की तो बात डीपीएसपी में की गई है नेशनल फ्लैग को बचाने की बात नहीं है बट फंडामेंटल ड्यूटी में मैंशन है कि यू हैव टू अबाइड बाय और रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इज ऑल्सो नॉट मैंशन एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी वाइल्ड लाइफ सो फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल बाय फंडामेंटल ड्यूटीज को एनफोर्स कौन कर सकता है कौन आ, जो है कंपेल कर सकता है फंडामेंटल ड्यूटीज को फॉलो करने के लिए सो ऑप्शन इज सुप्रीम कोर्ट ऑप्शन बी इज हाई कोर्ट ऑप्शन सी इज पार्लियामेंट ऑप्शन डी इज ऑफ़ अबव। अब आप इसको ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को स्टेटमेंट कह रही है फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनफोर्सेबल बाय तो जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज के करेक्टर की बात करते हैं तो दीज आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ तो अगर वो लॉ उसे एनफोर्स नहीं कर सकता तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तो पहले ही निकल जाते हैं क्योंकि ये कानून से डील करते हैं ठीक है एनफोर्स मतलब कि उसे लागू करना उसको ऐसा रूप देना कि हर कोई जो है कंपेल हो जाए उसे फॉलो करने के लिए ठीक है तो फंडामेंटल ड्यूटी को अगर एनफोर्स करना है तो पार्लियामेंट ऐसा कानून बना सकता है पार्लियामेंट उसे एनफोर्स करा सकता है ठीक है एट प्रेजेंट इट इज नॉट जस्टिशिएबल ठीक है अभी जितना मैंशन है आप जाके जाकेस नहीं कर सकते पिटिशन दायर नहीं कर सकते बट पार्लियामेंट कानून बना सकता है ठीक है जैसे आप देखें कानून बनाया गया था लेटर कि फ्लैग से रिलेटेड कोई कानून बनाना हो नेशनल एंथम से बनाना हो तो वो पार्लियामेंट उससे रिलेटेड इशू जो है वो आ, कानून जो है उससे रिलेटेड इशू कर सकता है

देश को डिफेंड करना है बच्चों को पढ़ाना है पब्लिक प्रॉपर्टी को बस संभालना है सो so, ये सब चीजें जो है वो देश के तरफ हमारे कर्तव्यों को जिम्मेवार को बताती है सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल ड्यूटी पहले हमने क्वेश्चन में देखा था कौन से पार्ट में इसे इंक्लूड किया गया है।

Protecting the sovereignty, integrity, and unity of India. Developing scientific temper and humanism. D. All the above. So, the correct answer is option D. All the above. Okay. So, that is it for today's session. इसके साथ हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड क्वेश्चन uh, uh, ये बहुत छोटा टॉपिक है इससे जो मैक्सिम क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जा सकते हैं जो पूछे गए मोस्टली uh, ये कौन से पार्ट में है ये कौन से एक्ट में इंक्लूड है uh, कहां से इसे बोरो किया गया है ऑरिजिनली uh, ये प्रेजेंट था कि नहीं कौन सी अमेंडमेंट के साथ इसे इंक्लूड किया गया टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी मैंशन है दैट इज टेन जब एक्ट लाया गया था तब दस थी लेटर ऑन इलेवंथ को एड किया गया एक्सटीट्यूशन नहीं है लेकिन पार्लियामेंट इनको एनफोर्स कर सकता है अगर आप किसी भी ड्यूटी से मुंह फेरते हैं आप नेशनल फ्लैग की जो है आप उसका जो डिसरिस्पेक्ट करते हैं नेशनल इंथम की करते हैं तो आपको पनिशमेंट दी जा सकती है बाय द पार्लियामेंट सो तो पार्लियामेंट इसे एनफोर्स कर सकता है अदरवाइज ये जस्टिशियेबल नहीं है सो दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सो दैट इज इट फॉर टूडेज लेक्चर मिलेंगे न्यू वीडियो लेक्चर में जहां पे हम करेंगे फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड एमसीक्यू सो टिल देन टेक केयर कीप वर्किंग हार्ड थैंक यू